से ये हादसा हुआ, क्या जानकारी नहीं थी, अचानक से करंट फैला? चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्निया कला और अली सीरिया के बीच में ये घटना स्थल है, कुएं के पास में विद्युत कंपनी के लाइनमैन रमेश पिता श्रीराम वर्मा वहाँ सुधार कार्य कर रहे थे और उनके साथ दो सहयोगी जो स्थानीय बताए जा रहे हैं देवी सिंह व किशोर भी उनके साथ थे, और जब वो कुएं में उतरकर लाइनों को सही कर रहे थे, कुएं के पास से वहाँ लाइन गुजरी है, तभी ये घटना हुई। और ये घटना की मुख्य वजह ये बताई जा रही है कि जो लाइनमैन है उनके पास और जो उनके सहयोगी हैं उनके पास करंट से बचाव के कोई उपकरण या कोई साधन उपलब्ध नहीं थे, अचानक करंट फैला और एक दूसरे को बचाने के चक्कर में करंट से चिपकते चले गए और तीनों लोग करंट की चपेट में आने के बाद कुएं में गिर गए और इनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जब ये घटना एक स्थानीय युवक ने देखी, कोई बचाने का प्रयास करने लगा और इस बचाव कार्य में युवक राजेश भी बुरी तरह से झुलस गया है, जिसे शुजालपुर सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पुरुषोत्तम, जब भी इस तरीके का हादसा होता है या जब भी इस तरीके का सुधार कार्य होता है तो लाइनमैन को इस बात की जानकारी होती है कि फिलहाल वहां से बिजली प्रवाहित हो रही है, बिजली करंट चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये कैसे हो गया कि अचानक से करंट आ गया और फिर मौत हो गई रमेश की? गणेश, बिल्कुल सही कहा आपने, पिछले दो माह में ये तीसरी घटना है जब किसी बिजली कंपनी के कर्मचारी की करंट लगने से मौत हुई है। इससे पहले कमालपुर में बिजली के खंभे पर चिपक कर एक युवक की मौत हुई थी, ऐसी एक अन्य घटना भी शुजालपुर अनुभाग में हुई थी और ये लगातार तीसरी घटना है। मूल जो कारण है वो बिजली कंपनी के कर्मचारियों को जो बचाव के साधन होते हैं करंट से बचाव के जो साधन होते हैं वो कंपनी द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं और इन्हीं के अभाव के कारण लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है और बार बार घटनाओं के होने के बाद भी बिजली कंपनी के आला अफसर नहीं जाग रहे हैं कि कर्मचारियों को करंट से बचाव के साधन उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि हर बार ये संभव नहीं होता कि जब लाइन पर काम किया जाए तो लाइन को बंद किया जाए। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि चालू लाइन में भी कर्मचारियों को सुधार कार्य करना पड़ता है। जी पुरुषोत्तम, इस बाबत कोई अफसरों की तरफ से कोई बयान आ पाया है, जो बिजली वितरण कंपनी के अधिकारी होंगे उनकी तरफ से कोई बयान आया है मसलन मुआवजे को लेकर या और इस तरीके से कोई बयान? ललित, ये घटना अभी करीब आधे घंटे पहले ही हुई है और सभी बिजली कंपनी के आला अफसर, पुलिस प्रशासन के अधिकारी और राजस्व विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और अभी फिलहाल प्राथमिक तौर पर शवों को बाहर निकालने का काम चल रहा है। अधिकारियों से जब हमने मुआवजे और इस संबंध में बात की तो उन्होंने निरीक्षण के बाद स्थिति को देखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है और ऐसा माना जा रहा है कि जो घायल है उन्हें भी और मृतकों को भी शासन की ओर से नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी पुरुषोत्तम जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से यह हादसा पेश आया है, जांच होगी मामले की और उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी मुआवजे के बाबत वो की जाएगी। खास बात, दो महीने में तीसरी ये घटना है, बचाव के जो उपकरण होते हैं बचाव इस तरीके के मरम्मत के कामों में वो इनके पास नहीं है, ये सबसे बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आ रही है। अब लोकायुक्त कार्रवाई की बात करेंगे। लोकायुक्त के शिकंजे में फंसे